एक समय की बात है, एक महल में एक राजा रहा करते थे। राजा बहुत ही ज्यादा अमीर थे, साथ ही साथ उन्हें इस बात का घमंड भी था कि मेरे पास इतना राजपाट है। वह गरीबों को हमेशा धिक्कारते रहते थे, ना तो उन्हें कभी कुछ खाने देते, ना ही अपना प्रजा की सेवा किया करते। धीरे धीरे राजा और भी अमीर होते गया और उसे का घमंड बढ़ते गया। लेकिन राजा की पत्नी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। पत्नी के द्वारा कहे जाने पे राजा ने अपने पास के ही गांव में एक शिव मंदिर बनवा रखा था, लेकिन वह कभी भी पूजा पाठ करने के लिए नहीं जाया करता था। राजा की पत्नी हमेशा कहा करती थी कि स्वामी, आपने तो मंदिर बनवा लिया है, लेकिन आप कभी भी बाबा को जल ढारने के लिए नहीं जाते हैं। राजा घमंड में बोला करता था कि वह मंदिर गांव के गरीबों के लिए है, वह वहां जाएंगे और पूजा पाठ किया करेंगे, मैं भला वहां क्यों जाऊं। राजा की पत्नी राजा की इस बात से बहुत ही ज्यादा निराश रहा करती थी कि महादेव ने उन्हें सब कुछ तो दिया है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी मैं ना खुश हूँ। एक दिन जब राजा की पत्नी ने राजा को कहा कि स्वामी, सावन आने वाला है, आपसे मैं निवेदन करूंगी कि सोमवार के दिन कम से कम महादेव को जाके जल जरूर ढारिएगा। जैसे ही सावन सोमवार आया, राजा की पत्नी सुबह उठ के स्नान आदि करने के बाद मंदिर की ओर जाने लगी। राजा को पता था कि आज सावन का सोमवार है, वह बिना स्नान किए खा लिया। राजा के इस पापी हिंसा को देख करके शिवजी को बहुत ही ज्यादा क्रोध आया। उन्होंने एक ही क्षण में राजा की सारी जितनी भी अमीरी थी सबको नाश कर दिए। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि एक के बाद एक बुरा खबर उसे राजमहल में मिल रहा था। कहीं कोई प्रजा के व्यक्ति बोल रहे थे कि गोदाम में सारा अनाज गौ माता खा गई, कहीं कोई बोल रहे थे कि घर का सारा सोना कहीं कोई चोरी कर लिया। राजा समझ नहीं पाया आखिर एक ही दिन में ऐसा कैसे हो सकता है। राजा की पत्नी कहीं ना कहीं मन में ही समझ रही थी कि मेरे स्वामी के द्वारा शिवजी का अपमान करने से यह सब हो रहा है। लेकिन राजा की पत्नी अगर कुछ भी राजा को बोलती थी तो राजा उसे धिक्कार देता था। धीरे धीरे राजा का सब कुछ खत्म हो गया। राजा की पत्नी तो हमेशा मंदिर जाया ही करती थी, अब भी वह जा करके पूजा पाठ किया करती थी। सावन का दूसरा सोमवार आया। राजा की पत्नी ने राजा से बहुत ही ज्यादा वीर निवेदन किया कि स्वामी, आप इस सोमवार को कम से कम शिवलिंग पे जल जरूर ढारिएगा। मैं महादेव से विनती करूंगी कि आपके सारी धन वापस कर दें। लेकिन राजा बहुत ही सोचते रहा कि क्या मैं अपनी पत्नी का बात मानूं, और वह सोमवार के दिन बिना कुछ खाए स्नान करके मंदिर जा पहुंचा। मंदिर जाने के बाद हर एक गांव वाले ने राजा से का भव्य रूप से स्वागत किया। राजा को पूरे रास्ते कंकड़ ना गड़े फूल बिछा दिया। राजा को कोई तकलीफ ना हो, मंदिर में 10 आदमी खड़े थे। राजा यह सब देख करके बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ कि मैं अपनी प्रजा का कभी भी ख्याल नहीं रखता था, लेकिन मेरी प्रजा मुझे कितना ज्यादा मानते हैं, मेरी सहायता करते हैं। राजा समझ गया था कि मैं ही पापी हूँ जो सोमवार के दिन बिना स्नान किए खा लिया और शिवलिंग का अपमान किया। राजा शिवजी से बहुत ही ज्यादा क्षमा दान मांगा और कहा कि मैं प्रत्येक सोमवार के दिन शिवजी का पूजा करूंगा और इस गांव के मंदिर को और भी भव्य बना दूंगा। शिवजी समझ गए थे कि राजा को समझ आ चुका है कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। राजा जैसे जैसे रास्ते से घर जा रहा था, वैसे वैसे उसके सिपाही उसे अच्छी खबर देते गए। राजा का सारा अन्न भी आ गया।
राजा के जितने भी सोने गायब हुए थे वह सारे सोने भी आ गए। अब राजा अपने घर के साथ साथ अपने प्रजा का भी ख्याल रखने लगा। शिवगुरु समझ गए थे कि राजा को बुद्धि आ चुका है, इसलिए शिवगुरु का आशीर्वाद राजा के ऊपर पड़ गया और राजमहल पहले के जैसा फिर से बन गया। इस तरीका से राजा हमेशा सुखी रहने लगा और खुश भी रहने लगा। हर सोमवार के दिन वह मंदिर जाकर के पूजा भी किया करता था और गरीबों में दान भी दिया करता था। अब राजा की पत्नी भी बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगी कि देर से ही सही राजा को शुद्ध बुद्धि तो आई। इस तरीका से सावन के दिन कोई भी व्यक्ति अगर शिवलिंग पे जल चढ़ाए, पूजा करे, शिवगुरु उसका जरूर सुनते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।